और मैं हूँ आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। बोकारो से शेखर की रिपोर्ट। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रभाव पर रोकथाम के लिए पुलिस अधीक्षक श्री चंदन कुमार झा खुद शहरी क्षेत्र अंतर्गत सिटी सेंटर क्षेत्र एवं बोकारो मॉल सहित अन्य जगहों में पैदल मार्च कर लोगों को कोविड 19 का दिशा निर्देश बल्लभ दान के नियमों की जानकारी देते हुए उसके हो रहे अनुपालन का निरीक्षण किया। पुलिस अधीक्षक श्री चंदन कुमार झा ने मास्क नहीं पहनने व सामाजिक दूरी का पालन नहीं करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को लेकर पुलिस पदाधिकारी को निर्देश दिया। साथ ही कहा कि पुलिस कर्मियों को कोविड 19 के नियमों का अनुपालन करने को लेकर पुलिस पदाधिकारी को निर्देश दिया। उन्होंने पुलिस मैत्री संबंध को मजबूत करने की बात कही। अजय सर, आज जो ये मास्क चेकिंग अभियान और दुकानदार को जो आप लोगों ने हिदायत दी है, जो चेतावनी दी है, ये कितने कितने जगह चला और कितने लोगों को आप लोगों ने हिदायत दी है? प्रायः सभी दुकानदारों को जो भी खुला पाए गए, जिनको भी खुला नहीं रखना है लॉकडाउन गाइडलाइन के अनुसार, जैसे कपड़ा दुकान है, चाय दुकान है, ये सबको जो है बंद कराया गया। प्लस अनावश्यक जो लोग घूम रहे हैं, जो बेवजह घूम रहे हैं, उनको जो है हिदायत दिया गया कि आप अनावश्यक नहीं निकलें, रोड पर भीड़ भाड़ नहीं करें। और यहाँ पर चंदन क्यारी में बरमसिया, होबली मोड़, हुटू पाथर, भोजूडी और चंदन क्यारी चौक, चंदन क्यारी सबसे मुख्य शहर है यहाँ का, जो कि काफ़ी भीड़ भाड़ रहता है। यहाँ पर काफ़ी आज जो है गहन मैंने लॉकडाउन का अनुपालन हेतु जो है पूरा जांच किया गया। और ऐसा उम्मीद है, उम्मीद क्या, दो तीन दुकानों पर आज प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी जो कि अनुपालन नहीं कर रहे हैं, लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसी ही बड़ी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें नया भारत दर्पण समाचार।